भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। पहले सेशन में दो विकेट झटकने के बाद भारतीय गेंदबाज पूरे तरीके से अंग्रेज बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं। फिलहाल जो रूट और डॉम सिबली क्रीज पर डटे हुए हैं। लेकिन मैच के 34वें ओवर में कुछ ऐसा देखने को मिला कि हर कोई हैरान रह गया। दरअसल विराट कोहली और जो रूट एक दूसरे को स्लेज भी कर रहे थे और साथ ही काफ़ी ज़्यादा बातें भी कर रहे थे। हालांकि ये बातें गर्माहट में तो नहीं दिखीं, लेकिन इन दोनों ही कप्तानों की भिड़ंत एक बार फिर देखने को मिली। आपको बता दें कि विराट कोहली और जो रूट दोनों ही दुनिया के बेहतरीन टेस्ट बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं और ये इन दोनों के अहम की लड़ाई भी ये सीरीज़ मानी जाती है। बड़ी बात यह है कि जो रूट को विराट कोहली लगातार स्लेज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो रूट भी अपनी ज़ुबान से उन्हें जवाब दे रहे थे। हालांकि रूट एक अच्छी फॉर्म लेकर आए हैं और फिलहाल क्रीज पर टिकने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे सेशन में भारतीय गेंदबाज रूट का विकेट लेने का पूरे तरीके से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो रूट को अगर आपने गिरा दिया तो आप समझ लीजिए कि इंग्लैंड की टीम को आपने गिरा दिया। यही वजह है कि जिस तरीके से भारतीय टीम अभी चढ़ी हुई है अंग्रेज़ों पर, उस लिहाज से अब देखना होगा कि यहाँ पर एक शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। विराट कोहली लगातार रूट को स्लेज भी कर रहे थे। खास बात यह है कि इस टेस्ट मैच में अभी भी काफ़ी कुछ बचा हुआ है। हालांकि इंग्लैंड की टीम को स्टार्ट काफ़ी अच्छा मिला था, लेकिन अचानक उनकी दो विकेटें गिरी। लंच से पहले बुमराह और अश्विन ने दो बड़े झटके दे दिए इंग्लैंड की टीम को, और उसके बाद यहाँ पर इंग्लैंड की टीम अब अहम की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से इस लड़ाई में कौन जीतता है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।